your life, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames I've been put up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know, the flow harder than a Scotch bunny. Don't try studying me, you cannot manage. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Stacking cheese like it's Parmesan. Eight different flows, call me Octomom. I'm moving fast like the Autobahn. And I'm independent, so I'm not your fucking starving like it's Ramadan. Sick, twisted, gifted, can't copy, printed. Can't hold me down, I shapeshift, I'm liquid. I killed this beat, I might get convicted. They know how I move, it was predicted. Persistent, spoke it into existence. So consistent, no assistance. Hear me once, become addicted. If I rap it, then I live it. There's no cap when I be breaking this. This ain't what you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. What you want, bitch, I'm a fucking phenomenon. Beautiful.
अपने इसको स्टोरेज भी चेक कर दें। बताने में को वो उसकी है जो कुछ है। एक और एक शूट, एक और एक शूट है। सो जब मैं जिम में था मेरा एक पार्सल डिलीवर हुआ। एक्चुअली मैंने मसल ब्लेस का ये परफॉर्मेंस वे प्रोटीन मंगाया था एंड अभी इनकी बहुत अच्छी डील चल रही है और इनका ऑफ़र भी चल रहा है, कुछ 24 से 28 तक का कुछ ऑफ़र है। सो उसमें मैंने सोचा कि मंगा कर देख लेता हूँ। सो फटाफट इसका अनबॉक्सिंग देखते इसमें क्या क्या है। तो ये है मसल बेस का बायोजेन परफॉर्मेंस वे। मैंने 1 kg का मंगाया, बोला पहले ट्राई करके देखता है। इससे पहले मैंने मसल बेस का कभी भी ट्राई नहीं किया, तो पहले ये चेक करेंगे अपन। इसके साथ में एक शेकर भी फ्री मिला था। हाँ, ये मसल बेस लिफ्ट हैवी शीट, क्या ये LFT HAVI जिद मसल बेस का ये शेकर। सो वर्कआउट डन, मैंने पोस्ट वर्कआउट मील भी ले लिया है एंड अभी आप लोगों से कुछ बात शेयर करना चाहता हूँ मैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं बट लोगों की वजह से, दुनिया की वजह से कि लोग क्या बोलेंगे, कौन मेरी मजाक उड़ाएगा, ये सारी चीज़ें सोचकर जो है अपना काम करना बंद कर देते हैं। सो स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है एंड अगर किसी को लगता है कि मैं वीडियो में भी बोर करने आ रहा, तो आप लोग यहीं पर वीडियो एंड कर सकते हो। बट जिनको मेरे वीडियो पसंद आते हो वो लोग वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज काफ़ी अच्छी बातें इसमें होने वाली है और आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सोचना बंद करें कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, कौन मेरे पीठ पीछे क्या बोलता है एंड कौन मेरे मजाक उड़ा रहा है। सो ये सब सोचना फर्स्ट ऑफ ऑल तो बंद कर दो, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू पे योर बिल्स। आपको जो अपना खर्चा खुद उठाना है, कोई आपको 2 वक्त की रोटी लाकर देने वाला नहीं है एंड उन पर ध्यान देने से अच्छा है कि आप अपने आप पर ध्यान दो, अपने आप को इम्प्रूव करो। आपका जो मन कर रहा है, आपका जो दिल कर रहा है, आप वो कीजिए। और स्टार्टिंग में सबको हेट मिलता है, सबकी मजाक उड़ाई जाती है, सबको ये बोला जाएगा क्या यार ये कर रहा है वो कर रहा है, और जब आप सक्सेस हो जाओगे ना वो चीज़ में, सो आपको वही लोग बोलेंगे कि अरे यार ये तो मेरा दोस्त है, और 4 को बताएंगे कि ये मेरा दोस्त है ना, ये सब देख मेरे फ़ोन में इसका नंबर है, देख हम लोग चैट करते हैं। फिर उनके मैसेज और कॉल आपको आएगा, भाई किधर है तू, भाई मिल रहा क्यों नहीं, ब्ला 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 ब्ला। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप बाकी लोगों पर ध्यान देने से अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी फैमिली मेम्बर्स पर ध्यान दो। सबसे बड़ी बात तो आपकी फैमिली मेम्बर पर ध्यान दो, और वही लोग हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े रहेंगे, आपका भाई हो गया, आपकी बहन हो गई, आपके मॉम एंड डैड, आपकी फैमिली, यही लोग हैं जो आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। दोस्ती यारी रखो, सबसे दोस्ती यारी रखो, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नथिंग। बट उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि रियल वंस कौन है और कौन आपका फ़ायदा उठा रहा है, कौन आपका सपोर्ट कर रहा है आपको, कौन सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखकर चलना होगा। अभी मैं YouTube पे वीडियोस डालता तो मैं उस हिसाब से बोल रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यूट्यूबर ही बनना है, आपको कुछ भी बनना होगा, लेकिन आप यही सोच रहे होगे कि अरे यार कभी स्टार्ट करो, कभी ये करो वो करो, तो ये सारी चीज़ें सोचना बंद करिए और काम करना शुरू कीजिए अभी से ही। अगर मोटिवेशन मिल रहा है आपको, मोटिवेट हो रहा है आप मेरी बातें सुनकर, तो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जिसमें मन कर रहा है, जो भी करने है आपका मन है, आप बिंदास कीजिए, बिना किसी के बारे में सोचे, बस अपने बारे में सोचिए, अपने आप को इम्प्रूव कीजिए एंड खुद पे काम कीजिए। और कभी भी आप लोगों को ऐसा लगता है कि आज बहुत लो फील हो रहा है या फिर कुछ है, या मेरी लाइफ बहुत ऐसी है, मेरी लाइफ बहुत वैसी है, सो कंप्लेन करने से अच्छा ये सोचिए कि अभी जो आप लाइफ जी रहे हो, कई साल पहले आपने इसलिए दुआ की, ऐसी लाइफ जीने के लिए दुआ की होगी कि यार काश मेरी लाइफ ऐसी होती जो लाइफ आप अभी जी रहे हो। को सबकी लाइफ में बैड टाइम आता है कि चीज़ें अच्छी नहीं चलती है, ऐसा लगता है कि अरे यार ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, पर हम इंसान हैं, सबकी लाइफ में ऐसी चीज़ें आती है। सो हमेशा जो है ऊपर वाले का शुक्रिया करो कि अल्लाह ने मुझे, ऊपर वाले ने मुझे, जो भी आप लोग जिस धर्म को मानते हो, सो
उसने मुझे इतनी अच्छी लाइफ दिया है, और आपके पास में दोनों हाथ है सलामत, आपके दोनों पैर सलामत है, आपके पास दो आँख है, आप सुन सकते हो, आप समझ सकते हो सारी चीज़ें। सो हमेशा कंप्लेन करने से अच्छा है कि आप थैंकफुल रहो वो चीज़ के लिए, बिकॉज ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिनके पास कुछ भी नहीं है बट वो फिर भी अपना 100% देते हैं हर चीज़ में। सो आपको भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग भी 100% दीजिए। ये मत सोचिए कि यार ये इसके पास इतना ज़्यादा है, इसके पास उतना ज़्यादा है, उसके पास उतना ज़्यादा है। आपके ऊपर वाले ने जो है उनको जो चीज़ दिया है वो आपसे छीन कर नहीं दिया है, वो उसने कमाया है, वो चीज़ पर उसने मेहनत की है, सो इसीलिए उसके पास में वो चीज़ है। और किसी के बारे में सोचने की आपको ज़रूरत है ही क्यों, क्योंकि आपका बिल तो पे करने वाला है नहीं, राइट। सो आपको जो भी करना है वो आपको खुद के लिए करना है और खुद से ही करना है। सो खुद पर ध्यान दो एंड बस लाइफ में आगे बढ़ते रहो। ऐसा लग रहा है थोड़ा ज़्यादा मैंने ज्ञान दे दिया है, बट ये ज्ञान की ज़रूरत थी कुछ लोगों को, जो लोग डर से अपने चीज़ों को करने से कतराते हैं, बहुत मतलब आगे वो चीज़ कंटिन्यू नहीं करते। सो प्लीज़ 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 ऐसा मत करो, अपने आप पर ध्यान दो एंड बाकी का वीडियो कंटिन्यू करते, नहीं तो बहुत सारी बात हो जाएगी। करने के लिए मेरे पास बहुत सारे टॉपिक है, बट मैं चाहता हूँ कि मैं धीरे 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 सब चीज़ें आपसे शेयर करूँ, एक सर्टन लेवल पर मैं पहुँच जाऊँ, सो उसके बाद मैं आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करूँ। सो बस इतना ही था। अगर आप लोगों को समझ में आती है मेरी बातें तो ठीक है, आप ज़िंदगी में अपने अप्लाई कीजिए, एंड आज नहीं, एक महीने बाद नहीं, एक साल बाद नहीं, बट समडे कभी ना कभी तो आप सक्सेस होगी अपनी लाइफ में, एंड अपने आप को फिर आप थैंकफुल रहोगे कि यार अच्छा हुआ मैंने उस टाइम पे ये चीज़ें छोड़ी नहीं, अगर मैं ये टाइम पे छोड़ दिया रहता तो आज मैं सक्सेसफुल नहीं होता रहा। सो कभी भी हार नहीं मानना, नेवर गिव अप, कभी भी हार नहीं मानना। आपको जो मन कर रहा है, जो आपका मन चाहता है, जो आपका दिल चाहता है, बस वो कीजिए, किसी की भी मत सुनिए और काम करते रहो बस। सो दिन से सीधा रात हो गई एंड मैं अभी ब्लॉग कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं थोड़ा बिजी हो गया था। आप लोगों ने अभी तक जितना भी वीडियो देखा था जिसमें मैं थोड़ा स्पीच दे रहा था, उसके पीछे भी एक रीज़न है। जिम में एक्चुअली आज एक ऐसी बात हो गई थी कि मेरे फ्रेंड ने मुझे मतलब ऐसा सजेस्ट किया, मतलब उसने सजेशन लिया मुझसे कि भाई मुझे भी जो है यूट्यूब चैनल ओपन करना है, बट मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कैसे करूँ, क्या करूँ, थोड़ा मोटिवेशन चाहिए मुझे। सो उसको भी मैंने सेम चीज़ बताया जो मैंने अभी वीडियो में आपको बताया, तो जो भी बातें आप लोगों ने सुनी अभी तक का, तो मैंने उससे भी यही सेम चीज़ बताई कि ब्रो मतलब सोचने की ज़रूरत नहीं, बट तेरा मन कर रहा है तो तू कर दे ओपन, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्टिंग में थोड़ा होता है सबके साथ में, और उसके बाद में यूज्ड टू हो जाएगा, मज़ा आने लगेगी वीडियो बनाने के लिए। सो बस उतना ही था एंड अभी मैं उतरा हूँ वॉक पे। जब से बारिश शुरू हुई ना तब से आज मैं वॉक कर रहा हूँ, और ऐसा हो गया था कि मैं पहले वॉक पे जाता था डेली 1 आवर के लिए, बट जब से बारिश स्टार्ट हुई थी पूरा कीचड़ वगैरह रहता था नीचे, तो उसके वजह से वॉक पे मैं जा नहीं पाता था। आज मौसम साफ़ है, पूरा रोड भी क्लीन है, तो मैंने सोचा कि आज जाके थोड़ा वॉक करते हैं 1 आवर के लिए। सो वही A few moments later. वॉक करते करते थोड़ी भूख लग गई और मुझे शोरमा खाने की क्रेविंग हो रही थी, तो मैंने शोरमा ले लिया। मेरा स्टेप्स अभी बाकी है, अभी कुछ 7000 स्टेप्स हुए हैं, तो पूरे 10000 स्टेप करता हूँ कम्प्लीट, तो मेरे बच्चे के स्टेप्स मैं कम्प्लीट करता हूँ एंड ब्लॉग पर यहीं पे एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ में, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड जो बात मैंने बोली है उसको दिमाग में रखना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना। इंशाल्लाह आज नहीं तो कल आप सक्सेस होगे। सो मिलते हैं जल्दी दूसरे वीडियो में।